नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। किसान आंदोलन को लेकर चार पांच चीजें अब बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। एक, बीजेपी को अब एहसास हो चुका है कि किसान आंदोलन लंबा खिंचने वाला है। दूसरा, बीजेपी को इस बात का भी एहसास हो चुका है कि ये आंदोलन जितना लंबा खिंचेगा उतना ज्यादा सियासी नुकसान बीजेपी को हो सकता है। तीसरा, किसानों को इस बात का एहसास हो चुका है कि अब मोदी सरकार तीनों कानूनों को वापस लेने वाली नहीं है। चौथा, किसानों को इस बात का भी एहसास अच्छी तरह से हो चुका है कि सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और पीकरी बॉर्डर पर ही किसानों को जमा करने से काम नहीं चलने वाला, आंदोलन का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से प्रसार करना पड़ेगा, पूरे देश भर में कम से कम उत्तर भारत के राज्यों में करना पड़ेगा। पांचवा, कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चुका है कि वो पिछड़ गई है। किसानों के आंदोलन के बहाने मोदी सरकार ने बहुत बड़ा मसला कांग्रेस के हाथ में दे दिया है, लेकिन कांग्रेस उसका फायदा उस रूप में नहीं उठा पा रही जितना कि राकेश टिकैत भी कम से कम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चार पांच चीजें हमारे सामने हैं। बात शुरुआत करते हैं बीजेपी से। बीजेपी ने संजीव बालियान, जो मोदी सरकार में पशुपालन राज्य मंत्री है, उनको खा पंचायतों से बात करने का जो घोषणा की थी कि संजीव बालियान ने कि वो जाएंगे, तो वो सिलसिला उन्होंने अपनी तरफ से शुरू किया है। कुछ जगह गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के लिए बड़ा संकट ये है कि जिला पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। 26 जिला पंचायतें हैं, उसमें से 25 पर पिछली बार बीजेपी ने कब्जा किया था, बीजेपी के समर्थकों ने, क्योंकि ये चिन्ह पर, पार्टी के चिन्ह पर ये चुनाव नहीं लड़ा जाता। और 26 जो जिला पंचायतें हैं, जिसमें से 18 जिला पंचायतें ऐसी हैं जो सीधे सीधे जाट वोटों से प्रभावित होती रही हैं। तो संजीव बालियान गए, उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ जो जाट मंत्री हैं वो गए, कुछ विधायक गए, खाप पंचायतों में गए अलग अलग। मैं ये इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस की खबर के आधार पर आपको ये बात बता रहा हूँ कि कुछ जगह खाप पंचायतों ने कहा कि भाई हम आपसे मिलना नहीं चाहते, आप हमसे मिलकर क्या करेंगे। दिल्ली में हमारे 40 किसान संगठन हैं, प्रतिनिधि, आप उनसे बात कर लीजिए। कुछ ने कहा कि तीनों कानूनों पर जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती, यानी तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक हम आपसे क्या बात करें। किसी ने कहा कि 13,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है, वो आप चुकाने की बात नहीं कर रहे। किसी ने कहा कि हम आपसे अब क्या बात करें, आप घर आ ही गए हैं तो आपसे बात करनी पड़ रही है। उधर संजीव बालियान ने कहा और दूसरे जो बीजेपी के विधायकों ने कहा कि नहीं, उनकी बातचीत हुई, खा पंचायतों के लोगों से बात हुई। और जैतपुर गांव भी गए, जो कि महेंद्र सिंह टिकैत का जो सिसोली गांव है उसके बगल का गांव है, और वहां पर भी किसानों से बातचीत की और किसानों ने जो अपना बात कही है वो मोदी सरकार के सामने रखेंगे। ये बात संजीव बालियान और दूसरे लोग अपनी तरफ से कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। ये बात साबित है बीजेपी को इस बात का एहसास अब तेजी से हो रहा है कि पंजाब में जिस ढंग से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए उसमें एक तरफा जीत कांग्रेस की रही, जिसमें केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ, अकाली दल का सूपड़ा साफ हुआ, बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ। तो बीजेपी को लगता है कि अगर वहाँ थोड़ा बहुत भी कुछ एज मिल जाता या कुछ ज़्यादा वोट मिल जाते तो कम से कम वो ये कहने की स्थिति में रहती कि देखिए पंजाब में भी ये आंदोलन जो है गांव तक ही सीमित है, शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, वहाँ उनके उम्मीदवारों को इतने इतने वोट मिले, इतना इतना प्रतिशत रहा जो पिछली बार के मुकाबले इतना ज़्यादा रहा या उसके बराबर रहा, तो यानी हमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। ये एक नैरेटिव चेंज करने का एक बड़ा बहाना बीजेपी को मिल सकता था, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मतदाताओं हैं उन्होंने बीजेपी को ये बहाना नहीं दिया। अब राजस्थान में 4 विधानसभाओं के उपचुनाव सर पर हैं। सब जगह कांग्रेस ने किसानों के मामले को मुद्दा बनाया है, महंगाई को मुद्दा बनाया है, पेट्रोल डीजल के दामों को मुद्दा बनाया है, और डीजल के दाम सीधे सीधे किसानों को प्रभावित करते हैं, बीजेपी इसे समझ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले जैसा मैंने आपको बताया जिला पंचायतों के चुनाव होने हैं, तो वहाँ तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अपनी तरफ से इन लोगों को अप्रोच इसलिए भी कर रही है कि कल को ऐसा ना हो कि ये लोग कहें कि आप तो हमारे पास आए नहीं। कुछ गांवों के अंदर इस तरह के बोर्ड लगे हैं किसान पंचायत के नाम पर या किसान मोर्चा के नाम पर, जिसमें ये कहा गया है कि बीजेपी नेताओं का यहाँ इस गांव में आना मना है। तो ये भी बीजेपी के लिए थोड़ी विचित्र स्थिति है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि इसका तोड़ वो
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस रूप में निकाल लेगी कि वहां ज्यादातर किसानों की या 90% से ज्यादा किसानों की असली समस्या गन्ने का बकाया है, और गन्ने का बकाया वो मिल मालिकों के माध्यम से चुका देगी तो किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी। राजस्थान में बीजेपी को लगता है कि चाहे सचिन पायलट कितने भी सम्मेलन कर ले, उसकी सभाओं में कितनी भी भीड़ आ जाए, लेकिन वहाँ नैरेटिव ये बन रहा है कि ये तो सचिन पायलट अपने राजनीतिक रसूख को बचाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, अशोक गहलोत सरकार को डाउन करने के लिए कर रहे हैं। तो नैरेटिव ये बन रहा है कि ये झगड़ा तो सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत के बीच में है, और ये बीजेपी के फायदे में ही एक तरह से जाता है। तो बीजेपी को लगता है कि वहाँ किसान पंचायतों या किसान सम्मेलन के माध्यम से भीड़ जुटाना अलग बात है, लेकिन 2023 के दिसंबर में जब विधानसभा चुनाव होंगे तब तक बहुत पानी निकल चुका होगा, बहुत पानी गुजर चुका होगा, और तब किसान के दिमाग में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का झगड़ा ज़्यादा हावी रहेगा और वो बीजेपी को वोट दे सकता है, ऐसा बीजेपी को लगता है। हरियाणा में 10 साल हो जाएंगे जब चुनाव होगा, खट्टर सरकार को और चार नाराज हैं, ये अपनी जगह सही है, लेकिन वहाँ बीजेपी को लगता है कि कुछ ज़्यादा पाने के लिए है नहीं। हाँ, बहुत सारी जगह दिल्ली में भी हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, हरियाणा में हमने देखा, पंजाब में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग पैटर्न अलग है, विधानसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न अलग है। तो बीजेपी को लगता है कि कम से कम 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तब तक स्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी होंगी, और तब तक वोटिंग पैटर्न के हिसाब से मोदी के अलावा लोगों के पास, जाटों के पास, किसानों के पास किसी और को वोट देने का कोई विकल्प नहीं रहेगा, ऐसा बीजेपी सोच सकती है, और तब तक इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकल ही जाएगा। तो ये दूर की सोच है। उधर किसानों की बात करें तो किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब सरकार से वो बातचीत करना चाहते हैं, सरकार भी बातचीत करना चाहती है, लेकिन पहल किसानों को करनी है, किसान पहल नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से 18 महीने कानूनों के अमल पर रोक लगाकर अपनी का ये प्रस्ताव देकर पहल कर चुकी है। तो इससे बड़ी चीज़ किसान क्या रखते हैं ये देखने की बात है, या कुछ और सरकार को रियायत देती है ये देखने की बात है। दूसरा, किसानों को लग गया है कि आंदोलन का विस्तार करना ज़रूरी है, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में और ढंग से हो, छत्तीसगढ़ में हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, यहाँ तक कि बंगाल चुनाव भी बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस के बीच है, लेकिन वहाँ चुनाव हिंदू मुसलमान हो गया है, वहाँ किसान आंदोलन का मुख्य मुद्दा नहीं है। ये बात भी किसान आंदोलन के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा बैकफुट पर जाती है। दूसरी बात है कि बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कृषि उपज के मामले में पंजाब और हरियाणा से भी ज़्यादा है, ज़्यादा कृषि उपज होती है, उसका व्यापार ज़्यादा होता है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा नहीं बन रहा, तमिलनाडु के अंदर मुद्दा नहीं बन रहा, केरल में मुद्दा नहीं बन रहा, असम में मुद्दा नहीं बन रहा, स्थानीय मुद्दे छाए हुए हैं, तो फिर किसानों को लगता है कि अपनी जो आंदोलन की जो चुनावी मार है वो और ज़्यादा उसके फैलाने की ज़रूरत है। अब या फिर किसानों को लगता है कि फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के कुछ इलाकों में इतना मजबूती से चीज़ों को अपने पक्ष में किया जाए कि वहाँ बीजेपी को लगे कि वहाँ उनकी जो चुनावी नुकसान उन्हें हो सकता है और वहाँ उनकी ज़मीन दरक सकती है, और इसका असर सिर्फ जाट वोटों पर नहीं होगा, कुछ गैर जाट वोटों पर भी हो सकता है जिनको किसानों के आंदोलन से सहानुभूति भी है और जाटों के साथ साथ वो भी खेती करते हैं। तो ये एक सोच किसान आंदोलन की हो सकती है। वैसे अभी किसान आंदोलन ने 8 मार्च तक का अपना प्रोग्राम दिया है, 8 मार्च को महिलाएं आएंगी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए। तो ये प्रतीकों की लड़ाई है, संकेतों की लड़ाई है, जो अपनी जगह चलती रहेगी। चलते चलते अगर हम कांग्रेस की बात करें, जिसका जिक्र मैं राजस्थान के संदर्भ में तो कर चुका, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत हो चुकी चीज़ें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी अपनी तरफ से जोर लगा रही हैं, लेकिन और जोर लगाने की ज़रूरत है। इससे बेहतर मौका जाट वोट बैंक, जो कि कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था, जो कि उनसे छिटक कर बीजेपी की झोली में चला गया था, उसको वापस लाने के लिए कांग्रेस के पास इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस चूक रही है, चूकती रही है। राहुल गांधी ने राजस्थान में 2 दिन का दौरा किया 4 जिलों में, ये अच्छी बात है, लेकिन ये सिलसिला कब बने रहे? सचिन पायलट का जो किसान सम्मेलन है वो कांग्रेस का किसान सम्मेलन है,
ये बात जनता के बीच कब पहुंचेगी, ये बड़ी बात है। इस पर मुझे लगता है सबको विचार करना पड़ेगा और बीजेपी इस समय मुझे लगता है कम से कम बैकफुट पर है, लेकिन बीजेपी ही बहुत ज्यादा सक्रिय है इसका तोड़ निकालने के लिए, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। शुक्रिया आप सबका। अगर आपको मेरा ये अनकट पसंद आए तो इसे आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हाँ, सब्सक्राइब करना मत। शुक्रिया।